नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद सचिन बोरा फिर से एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, हेलीकॉप्टर शॉट का वीडियो जितनी बार भी बनाऊं उतनी बार फिर से डिमांड आती है। मैंने पहले भी दो तीन बार हेलीकॉप्टर शॉट का वीडियो बनाया है, लेकिन उतना अच्छे से मेरे से एक्सप्लेन नहीं हुआ उसमें। आज बहुत बढ़िया करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिक स्टेप से बताऊँगा कि कैसे आपने हेलीकॉप्टर शॉट मारना है। वैसे दोस्तों, हेलीकॉप्टर शॉट तब मारना जब आपकी ऑलरेडी और छक्के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसा है दोस्तों, जब आपसे छक्के और बॉलों में नहीं लगते हैं तो हेलीकॉप्टर शॉट सीखना बेकार है। क्योंकि पहले जो आपका मेन हिटिंग है ना, मेन पावर हिटिंग है, वो सही होना चाहिए, तब जाके आप हेलीकॉप्टर शॉट मारो। क्योंकि आपको नॉर्मली छक्का मारना नहीं आता तो आप हेलीकॉप्टर शॉट कैसे सीखोगे। हाँ, जरूर, इतना ज़रूर है, और छक्कों की ड्रिल्स के साथ साथ आप हेलीकॉप्टर की ड्रिल भी कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में आप वो भी शॉट मार सको। और दोस्तों, हेलीकॉप्टर शॉट हर बॉल में नहीं मारी जाती है। कौन सी बॉल में मारी जाती है आज मैं आपको बढ़िया करके बताऊंगा। हेलीकॉप्टर शॉट, अगर आपकी नॉर्मल शॉट लग सकती है तो हेलीकॉप्टर शॉट मारना ज़रूरी नहीं है। हेलीकॉप्टर शॉट तो ये है दोस्तों कि आप अगर खेल रहे हो, सडनली आप कुछ और सोच रहे हो, आपके माइंड में कुछ और है कि मैंने और शॉट मारनी है, और सडनली बॉल उस टाइप की आ गई, यानी यॉर्कर बॉल और लगभग थोड़ा सा फुल लेंथ की बॉल, इन बॉलों में हेलीकॉप्टर शॉट मारा जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये है कि हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ यॉर्कर बॉल में मारा जाता है, वो भी बिल्कुल जो पैरों की होती है। ऐसा नहीं है, आप MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट सर्च करके देखना, और भी टेनिस बॉल के हेलीकॉप्टर शॉट सर्च करके देखना। कुछ बॉलें ऐसी हैं, कुछ ही बॉल ऐसी हैं जो बिल्कुल पैरों में आई हुई बॉल उन्होंने छक्के मारे, नहीं तो मैक्सिमम आपने देखा होगा, मैं अभी लाइन आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर से उन्होंने छक्के उठाए। आप बहुत गौर से देखना, क्योंकि हम वीडियो में इंजॉय तो करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखते। वो लोग थोड़ी सी फुल लेंथ और थोड़ी सी यॉर्कर, यॉर्कर का मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपके पैर के पास ही हो, पैर से थोड़ा आगे होता है। आप टेनिस बॉल का भी सर्च देखना, हेलीकॉप्टर बेस्ट शॉट, तो उसमें भी आपको दिखेगा कहाँ कहाँ पर से लोग हेलीकॉप्टर शॉट उठा रहे हैं। तो उस जगह से मैं आपको बताऊँगा कैसे उठाना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले मैं आपको पोजिशन दिखाता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ पर विकेट है यहाँ की दूरी होती है 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। अब जहाँ पर 1 मीटर होगा, यहाँ पे करीब 1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 मीटर होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर होता है। अब बल्लेबाज रहता है यहाँ पे खड़ा, देखो क्रीज में यहाँ पे खड़ा रहता है। अब ये वाला जो जोन बचता है ना, कोई बिल्कुल लाइन पे खड़ा रहता है, कोई थोड़ा सा पीछे रहता है, कोई थोड़ा सा आगे रहता है। तो अब यहाँ पे माना खड़ा रहता है इतने में, तो यहाँ तक का जो जोन है, देखो ये हमारा यॉर्कर जोन है। यहाँ से ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहीं पर बॉल आएगी वही यॉर्कर होगी, इस लेंथ तक आपकी यॉर्कर। आप यहाँ से इतना भी खड़े रहोगे तो लगभग यहाँ पे आपकी यॉर्कर आती है। तो अब यहाँ की जो भी इस एरिया की बॉल आती है उसी में हेलीकॉप्टर शॉट लगती है। अब जो भी बॉल आपकी यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ऑफ साइड से भी टेनिस बॉल में हेलीकॉप्टर शॉट लगते हैं, स्ट्रेट में और बिल्कुल पैरों की बॉल में। अब तीनों के लिए सबसे पहले आपने बैट को स्विंग, सबसे इम्पोर्टेंट है बैट का स्विंग। बैट का स्विंग आपने यहाँ से लाते हुए, जैसे बॉल आ गई सडनली, बैट का स्विंग लाते हुए हाथ को पूरा खोलना है, हाथ को पूरा खोलते हुए फिर इस टाइप से घुमाना है। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आपके घुटने बैंड होंगे, और उसके बाद जैसे बॉल नज़दीक आए, जैसे बॉल को हिट करोगे, हिट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट है, हिट करते समय आपका बैट का एंगल थोड़ा सा ऐसा हो जाना चाहिए। अगर आपका ऐसा रहा, ये एंगल रहा, तो बॉल नीचे दब जाएगी और चौका जा सकती है, लेकिन छक्का नहीं जाएगा। अगर आपका यही एंगल थोड़ा सा ऐसा करके हो गया ना, ये, तब जाके बॉल आपकी यहाँ आएगी और ऊपर लग के छक्का जाएगी। यही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान कोई नहीं देता है हेलीकॉप्टर शॉट में। मारते तो सभी हैं घुमा के, लेकिन अगर ये यहाँ पर ये एंगल रह गया मारते समय, तो बॉल नीचे दब जाएगी, ये एंगल रह गया तो ऊपर चले जाएगी। तो आपने एंगल कैसे बनाना है, प्रैक्टिस करके, ये बिल्कुल ये करना है। अब ये एंगल का प्रैक्टिस होगा कैसे, स्टार्टिंग में आपसे सिर्फ 5 मीटर दूर से, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, 5 मीटर दूर से यहाँ पर बॉल फेंकवाओ, उसके बाद आप छोटा छोटा मारना शुरू करो, छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है पहले। जब तक छोटी छोटी प्रैक्टिस में आपका बॉल दूर नहीं जाएगा, तब तक आप फुल पिच से बॉलिंग करके मत करो। सबसे बेस्ट मेथड ऐसा है, क्योंकि आपका पहले बॉल का कनेक्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है, कनेक्ट होके बॉल दूर जाना वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा, आप फुल पिच से करोगे, आपसे होगा नहीं, तो आप तो एक तो डिमोरलाइज हो जाओगे यार, हो नहीं रहा है, काफ़ी परेशान हो जाओगे। स्टार्टिंग में स्लो बॉल से होता है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल में जितने भी आप एकेडमी में जाओ, आपको हमेशा अंडर आर्म बताएंगे। तो अंडर आर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। अंडर आर्म जैसे आप सीख जाते हो, उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ,
अभी 5 मीटर से कर रहे हो तो फिर 10 मीटर से स्लो बॉल में, फास्ट बॉल में नहीं, स्लो बॉल में यहाँ फेंकवाओ भाई। भले आप उससे बॉलिंग में अगर आपका यॉर्कर नहीं पहुँच रहा है, इस लाइन तक नहीं पहुँच रहा है, तो थ्रो करके भी करवाओ। आपने कुल लगा के बैट का टाइमिंग बना के, ये एंगल बना के शॉट मारना है तब जाके। और इसमें कलाई का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, मारते समय ये कलाई, ये आया, उसके बाद ऐसे घुमाना, कलाई का रोल है। तो ये चीज़ की खूब प्रैक्टिस करो, पहले बल्ला घुमाने की कंटिन्यू, उसके बाद आप फुल पिच से बॉलिंग करके कर सकते हैं। अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से, अब यहाँ पे देखिए पैर एकदम सीधे, दोनों हाथ सीधे, बैट का एंगल देखो इस टाइप से होना चाहिए जब शॉट लगेगा, और बैट एकदम सीधा होना चाहिए। उसमें आपने कलाई नहीं मोड़नी, कलाई मोड़नी है शॉट लगने के बाद, पहले नहीं मोड़नी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नज़दीक से बिल्कुल 5 मीटर से देखो, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। ये मत सोचिए कि बॉल स्लो आ रही, आपने बैट का एंगल घुमाना है और पैर सीधे करने हैं और बॉडी को एकदम स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ, तब जाके होगा। जब नज़दीक की बॉल आ रही जो बिल्कुल टो के पास आती है, उसमें काफ़ी मुश्किल होता है छक्का मारना, वो थोड़ा चौका चला जाता है। अब इस शॉट में देखिए बैट एंगल बिल्कुल सीधा है, इसलिए वो एकदम नीचे बिल्कुल ज़मीनी शॉट जा रही, जिस जो शॉट ज़मीनी जा रही उसमें बैट का एंगल ऐसा होगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप फिर फुल पिच से, आप देखिए थोड़ा तेज़ बॉलिंग में मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन ये सब ज़मीनी जा रही, जो बिल्कुल एकदम नज़दीक से पैर में आ रही है वो, उसमें थोड़ा एंगल बनाना मुश्किल होता है। जो थोड़ा सा आगे रहती है उस आगे वाली लाइन के बाद, उसमें ऐसे बनता है एंगल देखो। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू इस तरह से हिट मारने का ट्राई कीजिए, कम से कम 500-600 बॉल। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसमें, उतना ज़्यादा आपका शॉट सुधरते जाएगा। और ध्यान रखना हमेशा ही दाहिना हाथ शॉट मारते समय टाइट रखना, और उसके बाद जब बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट होगा उसमें बिल्कुल बैट सीधा होना चाहिए। अगर वो एंगल में आप बैक लिफ्ट से नीचे को लाते समय अगर बैट टेढ़ा हो गया तो शॉट आपकी टेढ़ी चली जाएगी। इसलिए सभी एंगल में इस तरह से प्रैक्टिस करिए और बहुत ही अच्छा आपका यॉर्कर बॉल में छक्का लगेगा।